चलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की हमारी कंसेप्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम लोग देख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, मतलब ऐसी कुछ कंसेप्ट जो अकाउंटिंग में बहुत बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग। उसमें से आज अपनी कंसेप्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली सबको पता होता है इनकम मतलब क्या, सबको पता है एक्सपेंडिचर मतलब क्या। मतलब एट दिस मोमेंट यू आर नॉट एबल टू अर्न द मनी, बट यू आर एबल टू स्पेंड द मनी। सो वेन एवर यू आर स्पेंडिंग द मनी, इट्स अ एक्सपेंडिचर, और वेन एवर यू आर अर्निंग द मनी, इट्स अ इनकम। सो व्हाट इज द इनकम? इनकम इज द रेवेन्यू दैट अराइजेस फ्रॉम योर बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में से जो आपको रेवेन्यू मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इनकम। इट इंक्लूड्स द अमाउंट दैट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द सर्विस रेंडर्ड और इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एक्सेट्रा। मतलब इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन से होने वाली रिसीप नहीं है, दैट इज द इंक्लूडेड इनकम। इनकम इज अ रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्लस इट इंक्लूड योर रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऑल दीज आर द इनकम, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द इनकम। सो अनदर इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड एक्सेट्रा, ये भी इनकम में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इन शॉर्ट, व्हेनेवर यू हैव अ रिसीट, देन इट इज कॉल्ड एज अ इनकम। इट कैन बी द रिसीट फ्रॉम योर बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट कैन बी फ्रॉम द अदर सर्विसेज रेंडर, ऑल दीज आर द इनकम। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड प्रॉफिट। इनकम एंड प्रॉफिट में डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे मैंने बताया है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और अमाउंट इज अमाउंट ऑफ इनकम ऑन ओवर द एक्सपेंडिचर। मतलब जब भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है तो ही उसे प्रॉफिट बोला जाता है। बट इनकम मतलब क्या? इनकम इज एनी रेवेन्यू रिसीप्ट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू द और एनी अदर रिसीट लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। सो एनी रिसीट इज देयर, देन यू कैन से इट्स अ इनकम। प्रॉफिट के लिए यहाँ पे इक्वेशन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इनकम के लिए कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। सो इनकम इज व्हाट? इनकम इज अ रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड एनी रिसीव फ्रॉम द अदर सर्विसेज रेंडर्ड लाइक द इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऑल दीज आर द इनकम। नाउ एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर एग्जैक्ट इनकम के ऑपोजिट है। एक्सपेंडिचर मतलब अमाउंट पेड बाय द बिजनेस टू रिसीव एनी कंसिडरेशन। कुछ भी कंसिडरेशन मिलने के लिए जब भी अमाउंट पेड की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल आपके पास तो इतने एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर के, इफ यू परचेस अ स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सैलरी पेड एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट पेड एक्सपेंडिचर, आपने रेंट पेड किया, रिपेयर रिन्यूअल किया एक्सपेंडिचर, फीस पेड एक्सपेंडिचर, बस एंड टैक्सी फेयर एक्सपेंडिचर, ऑटो फेयर पेड एक्सपेंडिचर। इफ यू परचेस एनी असेट लाइक लैपटॉप, मशीन, मोबाइल, कार, व्हीकल, bungalow, flat, all these are the expenditure, plus small small expenditure also there, there is a petrol expenditure, electricity bill, telephone bill, network, jo hum log net pack lete hai, net pack recharge, mobile bill paid, blah 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 blah, lots of expenditures are there in the life. So income means whenever you receive the money, then it is called as an income from your business transaction or from other services, then it is an income. But expenditure means whenever you are spending the money, jab hum log paise kharch karte hai for getting any consideration, then it is called as a expenditure. Aage ke session mein hum log dekhenge expenditure ke types.